तो कक्षा नौवीं के प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा नौवीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर संस्कृत। हाँ दोस्तों, कक्षा नौवीं का संस्कृत का पेपर जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कक्षा नौवीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 जिसका विषय है आपका संस्कृत, माध्यम है आपका हिंदी। तो कक्षा नौवीं के प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका जो कक्षा नौवीं का संस्कृत का पेपर है इसे पूरा का पूरा बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इसे पूरा का पूरा बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल काला पीला हरा जैसा भी आपको सब्सक्राइब का बटन दिखे उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। चलिए दोस्तों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए बताते हैं आपका कक्षा नौवीं का संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर। हाँ दोस्तों, कक्षा नौवीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर संस्कृत तो लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने पेपर का मॉडल देखना है, यहाँ पर आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाना है यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका जो पेपर है, यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के टोटल आपको 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हर प्रश्न एक एक अंक का होगा, जिसमें कुछ इस प्रकार से होंगे कि 6 होंगे आपके सही विकल्प 6 अंक के, और 6 अंक के होंगे रिक्त स्थान 6 अंक के, सप्तशब्द 6 अंक के सही जोड़ी, और 6 अंक के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इस प्रकार से पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 12 प्रश्न आपके 2-2 अंक के होंगे, 3 प्रश्न आपके 3-3 अंक के होंगे, और 3 प्रश्न आपके 4-4 अंक के होंगे। इस प्रकार से टोटल मिलाकर आपके 75 अंक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए बताते हैं कि आपको अपने संस्कृत के पेपर की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ याद करनी है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर आपको अपने संस्कृत के पेपर की तैयारी के लिए आपको शब्द रूपाणी ये चीज़ याद करनी है, धातु रूपाणी याद कर लेना है, धातु रूपाणी और उपसर्ग, इसके बाद संध्या और समास यानी संधि समास याद ये तो करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको पाठ प्रश्नोत्तरणी यानी कि यहाँ पर आपको क्या कहना है, यहाँ पर आपको पाठ के अपने आपके जो किताब में पाठ दिए गए होंगे उनके प्रश्न उत्तर याद करना है। आपको अपनी संस्कृत किताब के पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 इन तीनों पाठों में से आपको प्रश्न उत्तर याद करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको श्लोक कंठस्थ यानी कि जो श्लोक आपको याद करना है, आपको टोटल कितने 4 श्लोक याद करना है, क्योंकि दोस्तों 2 तो पहले से ही पेपर में आते हैं। यदि वो 2 आपने सिर्फ 2 ही श्लोक याद करे और वही श्लोक पेपर में आ गए तो आपके श्लोक कुछ काम के नहीं होंगे, इसलिए आपको 4 श्लोक याद करना है। यदि 2 आपके पेपर में आ भी जाते हैं तब भी आप 2 श्लोक आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और आगे चलें तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध कारक संशोधनम, यहाँ पर आपके लिए अशुद्ध शब्द एक अशुद्ध शब्द का सेंटेंस आपके लिए बना आएगा जिसमें जिसको आपको शुद्ध करना होगा, अशुद्ध शब्द लिखे आएंगे जिन्हें आपको शुद्ध करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पाठगत रिक्त स्थानानी पूर्यता यानी कि आपके पाठों के जो पाठ हमने आप लोगों के लिए बताए हैं 1, 2, 3 इन तीनों पाठों के आपको रिक्त स्थान याद करना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आपको क्या क्या याद करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए गद्यांश पद्यांश आते हैं जिन्हें आप इंग्लिश भाषा में अनसीन पैसेज बोलते हो, यही हैं वो गद्यांश पद्यांश। इनमें से आपको इन गद्यांश पद्यांश के नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे उनमें से छांट कर लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पत्र छुट्टी का पत्र सीख लेना है, याद कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर निबंध लिखा, स्कूल का निबंध और महाकवि कालिदास का निबंध, ये 2 निबंध आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों यदि आप लोगों के लिए जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को कह दें सब्सक्राइब इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।